छः जी बी रैम 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Redmi Note 10 की 14,000 रुपये और 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज Poco M2 Pro की कीमत 15,000 रुपये। Redmi Note 10 Pro को पावर दिया है Snapdragon 678 प्रोसेसर ने, जिसके साथ आपको GPU मिल जाएगा Adreno 612 एंड Poco M2 Pro को पावर दिया है Snapdragon 720G प्रोसेसर ने, GPU मिल जाएगा Adreno 618। Note 10 में 60Hz के साथ सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा एंड Poco M2 Pro में 60Hz के साथ LCD डिस्प्ले से काम चलाना पड़ेगा। दोनों स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। Poco M2 Pro का वेट है 209 grams और Redmi Note 10 का ओनली 179 grams। Redmi Note 10 में एक एडवांटेज आपको मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 मिल जाएगा जनवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ और MIUI वर्जन 12.0.1.0 एंड Poco M2 Pro में Android 10 बेस्ड MIUI 12.0.3.0 मिल जाएगा फरवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रीन ऑन टाइम मैंने 5 मिनट सेट कर दिया है। गेम टर्बो से सारे ऐप्स को हटा दिया है। डेवलपर ऑप्शन में विंडोज एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन एंड एनिमेशन ड्यूरेशन 1x जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है इसी पे मैंने सेट कर रखा है, फोन को कोई चेंजेस नहीं किया है। सबसे पहले देखते हैं दोनों MIUI वाला स्मार्टफोन कितना टाइम लगाता है रिबूट होने में। नाइस, तो न्यू Redmi Note 10 ने लिया 43 सेकंड्स बूट होने में और Poco M2 Pro ने लिया 48 सेकंड्स, यानी एक पॉइंट मिलता है Note 10 को। ये वीडियो शूट करने से पहले भी मैं दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड ट्राई करके देख रहा था, दोनों मुझे काफ़ी सिमिलर सा लगा। स्पीड की बात करो, अगर एक्यूरेसी की बात करो, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों में। गाइस एक दो बार ऐसा हुआ कि Poco M2 Pro ने डिवाइस पहले अनलॉक कर लिया और एक दो बार ऐसा लगा कि Redmi Note 10 ने डिवाइस पहले अनलॉक कर लिया। अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप लोग थर्ड अंपायर हो, खुद जज करो। इस प्राइस टैग के साथ दोनों फास्टेस्ट है इस कैटेगरी में ऐसा तो नहीं है, लेकिन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों काफ़ी सिमिलर लगेगा। मेरे हिसाब से दोनों टाई है। अब चलते हैं सीधे स्पीड टेस्ट पे। दोनों स्मार्टफोन में मैंने सारे ऐप्स को बैकग्राउंड से हटा दिया है, दोनों स्मार्टफोन को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। Poco M2 Pro का अभी नील है और Redmi Note 10 का 1 point। और सेटिंग्स में भी दोनों बहुत ही क्लोज था, तो फिर से 9 point एंड प्ले स्टोर में 1 point Note 10 को मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा आगे निकल गया। ये है कवर फायर गेम 338 MB का, सेम वाईफाई की मदद से हम दोनों स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके देखते हैं कौन पहले इंस्टॉल करता है, क्या फिर से टाई होने वाला है या इस बार निकलने वाला है Poco आगे। ओके, तो Poco निकल गया आगे और Note 10 रह गया इस बार 81% पे, 1 point Poco का। एंड YouTube में भी Poco निकल गया आगे, एक और पॉइंट मिल गया Poco को, स्कोर हो गया बराबर। इंस्टा में स्लाइटली क्विकर मुझे लगा Redmi Note 10, लेकिन मामला इतना क्लोज था कि मुझे डाउट हो रहा है। क्रोम में अगेन बहुत ही क्लोज था मामला, लेकिन इस बार मुझे फिर से लग रहा है स्लाइटली क्विकर था Redmi Note 10। एंड गाइस फिर से थीम में दोनों बहुत ही क्लोज लगा और अब लगता है कि थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग हैं थर्ड अंपायर, प्लीज कमेंट करके बताना थीम ऐप किसने पहले ओपन किया। तो गाइस थीम ऐप में भी 9 point और CPDD ऐप में भी 9 point, क्योंकि फिर से दोनों बहुत ही क्लोज था, सेम टाइम पे ये ऐप भी ओपन किया। तो गाइस ये ऐप जो है ना, मैं रीड एंड राइट स्पीड चेक करने के लिए ट्राई करता हूँ, तो देखते हैं इस बार स्कोर किसका बनता है। सिक्वेंशियल राइट स्पीड Redmi का ज़्यादा आया, सिक्वेंशियल रीड स्पीड Poco का ज़्यादा आया, रैंडम राइट स्पीड Poco का ज़्यादा है और रैंडम रीड स्पीड Redmi का ज़्यादा आया। फिर से टाई, 9 points। पावर डायरेक्टर ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए Poco M2 Pro ने पहले ओपन किया, 1 point Poco का, 3-3 स्कोर हो गया बराबर। अब गाइस पावर डायरेक्टर ऐप की मदद से मैं एक 4K वीडियो को 1080p में कन्वर्ट करूंगा दोनों स्मार्टफोन में स्टॉपवॉच लगाकर।
तो फाइनली कुछ अलग देखने को मिला। पोको M2 Pro ने टास्क पहले कंप्लीट कर लिया, 6 मिनट 48 सेकंड लगाया पोको M2 Pro ने 4K को 1080p में कन्वर्ट करने में। एंड गाइस नोट 10 ने 1 मिनट 53 सेकंड्स ज्यादा लिया पोको M2 Pro से। अब गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। वीडियो रेजोल्यूशन रहेगा अपना 720p, बिट रेट स्टैंडर्ड रखा है मैंने और फ्रेम रेट 30 fps। तो इस बार मामला थोड़ा सा क्लोज था, लेकिन अगेन पोको M2 Pro आगे निकल गया, 11 सेकंड्स पहले टास्क कंप्लीट कर लिया। फोटोशॉप ऐप दोनों ने फिर से सेम टाइम पे ओपन किया, दोनों बहुत ही क्लोज था, नो पॉइंट। एंड एक 26 MB का फोटो एडिटिंग मोड पे मैंने ओपन किया और इस बार आगे निकल गया पोको M2 Pro, एक पॉइंट पोको को। सेम फोटो में सेम इफेक्ट डालकर एडिट करने के बाद गैलरी में सेव करने में अगेन पोको आगे निकल गया। एंड Geekbench ऐप में स्लाइटली क्विकर था नोट 10, एक पॉइंट नोट 10 का। और Geekbench टेस्ट पहले कौन कंप्लीट करता है देखते हैं। नो, पोको ने पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया था लेकिन ऐप क्रैश हो गया, तो मैं फिर से Geekbench टेस्ट रिपीट कर लेता हूं। फिर से Geekbench 5 ऐप क्रैश हो गया पोको M2 Pro में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसे जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला गेम टेम्पल रन में पोको निकल गया आगे, एक पॉइंट पोको का। और दूसरा गेम सबवे सर्फर में निकल गया नोट 10 आगे, नोट 10 का एक पॉइंट। ओके, थर्ड गेम बीबी रेसिंग, बहुत ही क्लोज था इस बार मामला, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे गेम ओपन किया, नो पॉइंट। एंड गाइस ये है कॉल ऑफ ड्यूटी, काफी हेवी गेम है और इसमें जरूर पॉइंट बनेगा। अगेन मामला बहुत ही क्लोज था लेकिन इस बार निकल गया Redmi Note 10 आगे। और गाइस ये है आज का फाइनल गेम PUBG कोरियन वर्जन। एंड फिर से आगे निकल गया Redmi Note 10, एक और पॉइंट नोट 10 का। गाइज स्नैपड्रैगन 678 का स्पीड काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, ये सेकंड वीडियो है Redmi Note 10 का और दोनों वीडियो में, दोनों ही स्पीड टेस्ट में इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। एंड अब रैम मैनेजमेंट, 15 एप्स इंक्लूडिंग 5-5 गेम्स हैंडल करना इजी जॉब नहीं है 6GB रैम वेरिएंट वाले स्मार्टफोन के लिए, और MIUI का रैम मैनेजमेंट वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। गाइज अगर इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर किया जाए ना, तो पोको M2 Pro मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। जितने भी ऐप्स मैं रीओपन कर रहा हूँ ना, पोको M2 Pro ज़्यादातर ऐप्स को पहले ओपन कर रहा है, लेकिन सारे ऐप्स को ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो फिर से रीलॉन्च कर रहा है। रैम मैनेजमेंट के लिए एक पॉइंट पोको M2 Pro का। अब गाइस इतने सारे टेस्ट के बाद दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर क्या करता है, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो पोको M2 Pro ने टेस्ट पहले कंप्लीट कर लिया, एक पॉइंट एंड स्कोर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है पोको M2 Pro का। पोको का स्कोर ऑलमोस्ट 30,000 ज्यादा है
गाइस सीपीयू का स्कोर जो है इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, ओनली 4000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन जीपीयू का स्कोर जो है 30,000 ज़्यादा है पोको M2 प्रो का। रेडमी नोट 10 प्रो और 10 प्रो मैक्स के साथ साथ रियलमी 8 और 8 प्रो के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा। तो जोश और हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।